स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 42 ऑफ द चैप्टर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और ये जो एडिशन है, मेरे पास जो बुक है उसका एडिशन है 2019, टीएस ग्रिवाल। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, यूपी शुगर वर्क्स वॉज रजिस्टर्ड ऑन 1 जनवरी 2019 विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹15 लाख डिवाइडेड इंटू 15,000 शेयर्स ऑफ ₹100 each. The company issued on 1st April 2019 5,000 shares of ₹100 each at a premium of ₹5 per share. Company जो issue किए हैं वो 5,000 shares हैं. Face value 100 है. और ये जो share हैं वो premium पे issue किए जा रहे हैं ₹5 के. यानी face value 100 है और premium जो है वो ₹5 है जो कंपनी दे रही है। अब कहा गया क्वेश्चन में कि 25 एप्लीकेशन भी लिए जा रहे हैं, 30 अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी एप्लीकेशन 25 है, अलॉटमेंट 30 है, जिसे हम 25 प्लस 5 कह सकते हैं क्योंकि इसमें प्रीमियम भी इंक्लूड है, और बैलेंस दो इक्वल कॉल में है जो कि 25-25 रुपए की हैं, जो 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को लिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो 25 की फर्स्ट कॉल, 25 की सेकंड कॉल। अब चेक कर सकते हैं कैपिटल पूरे ₹100 हो गए और प्रीमियम 5 रुपीज। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं बच्चों कि क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया है। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में क्या कहा गया आगे, क्वेश्चन में कहा गया कि ऑल द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी वॉज पेड व्हेन ड्यू, यानी अलॉटमेंट और कॉल मनी सब मिलता चला गया एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर हु फेल्ड टू पे द फाइनल कॉल ऑन 100 शेयर्स हेल्ड बाय हिम। एक शेयर होल्डर जिसपे 100 शेयर्स थे, एक शेयर होल्डर जिसपे 100 शेयर्स थे, उसने ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, मगर रात्रि की कॉल नहीं थी, सो जो है he failed to pay the final call और उसका शेयर forfeit कर दिया गया। आपको एंट्रीज मांगी है सारी की सारी, चलिए सारी एंट्रीज बनाते हैं। आप जानते हैं बच्चों, पहली एंट्री बनाई जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जितने शेयर हमने इशू किए इनटू जितना एप्लीकेशन मनी। तो 5,000 × 25 तो 1,25,000 से आप पहली एंट्री बनाएंगे। दूसरी एंट्री जो आप बनाएंगे वो बनाएंगे उस पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर करने की, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सेम अमाउंट 1,25,000 चला जाएगा। ठीक है बच्चों, अलॉटमेंट कैपिटल, सॉरी आप करेंगे अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री। तो जब अलॉटमेंट ड्यू कराएंगे तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अलॉटमेंट 5,000 × 30 पूरा लिखिएगा, जो कि होता है 1,50,000, और यहाँ आएगा 1,25,000 × 25 करेंगे, और यहाँ आएगा 25,000 × 5 करने से। अलॉटमेंट में भी कोई भी एडिट्स नहीं है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट पूरा 1,50,000 आपको रिसीव हो जाएगा। ये हो गया अलॉटमेंट की एंट्री बच्चों, क्लियर। अब बात करेंगे बच्चों हम आगे की एंट्रीज के बारे में, यानी कि अब हम बात करेंगे कॉल की एंट्रीज के बारे में। तो देखिए कॉल की एंट्रीज कैसे की जाएंगी, हाँ जी बच्चों, कॉल की एंट्रीज देखिए कैसे की जाएगी। फर्स्ट कॉल करी जाएगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट
debit to share capital account. First call में 25 रुपए की थी, 5000 शेयर थे, 1,25,000. First call की receiving में भी कोई error नहीं था, तो bank account debit to share first call account 1,25,000. अब first call तो हो गया, अब आते हैं final call पे. तो हम जानते हैं final call पे arrears है. अब final call पे जो arrears है वो आप जानते हैं कि due के time पे नहीं, receiving के time पे show किया जाता है. तो जब final call due कराई जाएगी तो normal तरीके से ही की जाएगी. Share second and final call account debit to share capital account 1,25,000 पूरा. ठीक है बच्चों, अब जो इसकी रिसीविंग कराई जाएगी वो देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट. यहां तो 1,25,000 ही आएगा पूरा. जिस बंदे के पास 100 शेयर थे उसने फाइनल कॉल नहीं दिए, तो फाइनल कॉल पे आएगा जो एरियर आएगा वो 100 × 25 दैट इज 2,500 आ जाएगा, और बचा हुआ 1,22,500 बैंक में आ जाएगा. तो इस तरह से ये फाइनल कॉल की रिसीविंग की एंट्री हो गई बच्चों. ठीक है बच्चों, आप देख सकते हैं ये एंट्री है फाइनल कॉल की रिसीविंग की. ठीक है बच्चों, अब इसके शेयर फॉरफीट करने हैं. तो देखिए, जब भी प्रीमियम वाला शेयर फॉरफीट किया जाता है तो ये देखा जाता है कि क्या प्रीमियम मिला या नहीं मिला उन शेयर्स पे. तो उन शेयर्स पे प्रीमियम मिला या नहीं मिला अभी देखते हैं बच्चों. 25 एप्लीकेशन के थे, 30 अलॉटमेंट पे थे जिसमें 25+5, 25 फर्स्ट कॉल के थे, 25 सेकंड कॉल के थे. ये वो दे चुका है, ये भी दे चुका है, ये वो दे चुका है, ये उसने नहीं दिया. यानी कि प्रीमियम वो दे चुका है क्योंकि प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ, इसलिए जब उसके शेयर फॉरफीट किए जाएंगे तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट नहीं करेगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट होगा, और साथ साथ कॉल्स इन अर्लियर अकाउंट क्रेडिट होगा. शेयर फुली कॉल्ड है तो 100 × 100 10,000 आ जाएगा. एरियर में आएगा सिर्फ 100 × 25 2,500, और फॉरफीचर में आएगा 100 × 75 7,500. दिस दिस एंड दिस प्रीमियम को मिले हुए पैसे को गोल कर जाते हैं, द सेंस को शो नहीं करते हैं जब वो मिल चुका होता है. सिर्फ कैपिटल का ही पार्ट हमने शो किया फॉरफीचर में, कैपिटल का ही पार्ट हमने कॉल्ड अप में शो किया, कैपिटल का ही पार्ट अरियर में शो किया. प्रीमियम ना डेबिट में आया कहीं ना क्रेडिट में आया, क्योंकि अगर प्रीमियम मिल चुका होता है तो ना वो डेबिट होता है ना ही वो क्रेडिट होता है. आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन नंबर 42 समझ में आया होगा अच्छी तरह से. और नॉर्मल क्वेश्चन था, नॉर्मल एंट्रीज थी, और बस बाद में फॉरफीचर करके बताना था और इस बात का ध्यान रखना था कि प्रीमियम मिला है या नहीं मिला है. ठीक है बच्चों, थैंक यू.